हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में दो दिवसीय राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। प्रतियोगिता में राज्य की 8 जनपद की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी रशिका सिद्दीकी ने कहा है कि युवाओं को खेल के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है, वहीं बेहतर खिलाड़ियों को तलाश करने के साथ उन्हें संवारने के लिए भी सरकार की ओर से मुहिम चलाई जा रही है ताकि देश को हर खेल वर्ग में बेहतर खिलाड़ी मिल सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जाति का राज्य स्तर से प्रतियोगिता का आरंभ हो रहा है और हमारा जो क्रेज बढ़ा है कबड्डी प्रो कबड्डी देख के हमारा क्रेज बढ़ा है काफी, मतलब इंडिया की टीम भी अच्छा खेल रही है। राज्य स्तरीय ओपन बालक अनुसूचित जाति कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है जो कि लीग आधार पर किया जा रहा है। 8 और 9 दो दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे टोटल राज्य से हमारी 8 जनपद से टीमें प्रतिभा कर रही हैं और 2 दिन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके तुरंत बाद हमारा एक राज्य स्तरीय ओपन बालिका हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भी।